हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे बॉलीवुड की तरफ से आई एक और हॉरर कॉमेडी मूवी को, लेकिन बिना किसी हॉट भूतनी की मदद किए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी के नजदीकी सिनेमाग्रह में आज रिलीज हुई है फोन भूत मूवी। मूवी को डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह ने, जिन्होंने मिर्जापुर जैसी दमदार सीरीज को डायरेक्ट किया है। मूवी में लीड में है कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी। वहीं पर जैकी श्रॉफ और शिवा चड्ढा सपोर्टिंग एक्टर है। मूवी को प्रोड्यूस किया है एक्सेल एंटरटेनमेंट ने, जो हमेशा बॉलीवुड में कुछ यूनिक और अच्छा कंटेंट लाते हैं। इसी वजह से मैं फोन बूथ मूवी देखने को गया। फोन बूथ मूवी एक बिना लॉजिक के बनाई गई एक वन टाइम वॉच टाइम पास की मूवी है, जो आपको अपने कॉमेडी पंचेस पे एक बार तो हंसाएगी ही। और हाँ, मूवी में अगर आप लॉजिक ढूंढोगे तो वो आपको पूरी मूवी में कहीं पर ही नहीं मिलेंगे। क्या बोला तूने? मूवी के स्टोरी की बात करें तो मूवी में दो चड्डी यारों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी ने मेजर और ईशान खट्टर ने गुल्लू का कैरेक्टर प्ले किया है। बचपन में उनके पिताजी को लगता था कि उनके बच्चे एस्ट्रोनॉट बने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चों की तो दिवाली के रॉकेट से ही फटती थी। Very dangerous! वो दोनों बेरोजगार है और एक दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में उनको भूत दिखाई देने लगते हैं। इसी बीच इन दोनों की मुलाकात होती है रागिनी से, यानी कैटरीना कैफ से, और मूवी में इनको देखकर मैं ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। और मूवी में वो बहुत ही औसम दिख रही है। रागिनी इन दोनों के साथ मिलकर एक बिजनेस प्लान करती है भूत पकड़ने का, लेकिन भूतनी इन पैसों का करेगी क्या, ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। गाड़ी स्टार्ट कर। मूवी हॉरर कॉमेडी के नाम पर सिर्फ आपको कॉमेडी ही दिखाएगी, और सिद्धांत और ईशान ने एक्टिंग के नाम पर और एक्टिंग की है। मूवी में इन दोनों के कैरेक्टर को देखकर मैं इन दोनों को बोलना चाहूंगा कि चूतिए हो तुम दोनों। मूवी में जब एंट्री आत्माराम यानी जैकी श्रॉफ की होती है, मूवी अपने एक्टिंग डिपार्टमेंट में पकड़ बनाती है। वैसे मूवी में फ्लॉज बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से तो अच्छी है। सिद्धांत और ईशान को छोड़कर सभी ने अच्छी एक्टिंग की है। मूवी के एंड में मूवी के सीक्वल का भी हिंट दिया गया है। एक बात और कि मूवी में आत्माराम को एक वरदान मिलता है। अब ये वरदान क्या है, ये जानने के लिए देखिए फोन बूथ मूवी। तो ये था हमारा रिव्यू फोन बूथ मूवी के बारे में। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप हमें कमेंट कर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल में किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। भूतनी के यहाँ मेजर, तेरा सूबेदार तो गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।